हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुमन चौहान अपने चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बड़ी समस्या हम सबके सामने आ रही है जिसका नाम है थायराइड। थायराइड से इतने ज़्यादा लोग ग्रसित हैं हमारे देश में कि हर घर में एक या दो इससे ग्रसित आपको मिल जाएंगे। ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आ रही है कि इससे निजात पाने के लिए हर कोई मारा मारा फिर रहा है, हर कोई गोलियाँ खा रहा है। एलोपैथी में तो इसका यही इलाज है कि आप डेली गोली खाओ और लास्ट तक खाते रहो। अब जानते हैं थायराइड होता क्या है, क्यों होता है, क्या इसका कारण है, क्यों ये हो रहा है, और इसके होने के बाद क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं, और इससे हमें छुटकारा कैसे मिल सकता है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। थायराइड होता क्या है? जब आपकी थायराइड की रिपोर्ट मिलती है या आपने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी जिन्होंने थायराइड का टेस्ट कराया हुआ, उसमें आपको तीन चीज़ें दिखाई जाती हैं, TSH, T3, T4। तो उसमें जो भी रीडिंग आती है आप उसे देखकर ये नहीं समझ पाते कि हाइपोथायराइड है या हाइपर है। मैं आपको समझाती हूँ। जो TSH होता है उसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो कहाँ पे होता है? वो इधर होता है, यहाँ इस साइड में सीधे, और बीच में बिल्कुल सर के बीचों बीच ये ग्रंथि होती है। यहाँ पे आप लगा लीजिए, यहाँ पे और सर के बीचों बीच ये ग्रंथि होती है। TSH की जो रीडिंग लेते हैं वो यहाँ पे होती है ग्रंथि। तो वो क्या करती है, क्या उसका काम होता है? उसकी ग्रंथि थायराइड को स्टिमुलेट करने का हार्मोन निकालती है। वो यहाँ से होके यहाँ तक जाता है, और यहाँ जो ग्रंथि होती है तितली जैसे आकार की, यहाँ पे ग्रंथि होती है जिसमें T3 और T4 होते हैं जिनकी रीडिंग ली जाती है। ये ग्रंथि उसको सिग्नल भेजती है कि आप थायराइड हार्मोन निकालो। शरीर के फंक्शन चलाने के लिए उस हार्मोन की ज़रूरत होती है। वो हार्मोन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ये वाली ग्रंथि जो हार्मोन निकालती है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जो हम खाना खाते हैं उससे ऊर्जा निकलती है उसको कंट्रोल रखती है, और शरीर के बाकी कार्यों के लिए उसको बैलेंस करके रखती है। प्रोटीन का जो जनरेशन होता है शरीर में उसको बैलेंस करती है, और जो दूसरे हार्मोन होते हैं उनकी संवेदनशीलता को कंट्रोल करता है। ये ब्लड के द्वारा हार्मोन पूरे शरीर में जाता है और अपना काम करता है। लेकिन जब ये ग्रंथि जो है वो हार्मोन किसी वजह से, जैसे कि हमारा खान पान बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, रहने सहने के ढंग बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, हम 24 घंटे AC में रहते हैं, हमें धूप नहीं लगती है, ऐसे घरों में रहते हैं जो पूरी तरीके से बंद है, कहीं से भी हवा नहीं मिल पाती, फ्रेश हवा नहीं मिलती है। शहरों में आपने देखा ही होगा कि घर इस तरह से बंद हुए हैं, उनमें 24 घंटे AC चलता है, हम धूप में नहीं निकलते हैं। धूप में अगर जाते हैं तो पूरा स्किन ऐसे बांध कर जाते हैं, और जाना भी होता है अपनी कार में जाते हैं जिसमें AC होती है। तो फ्रेंड, जब हम अपनी बॉडी को इस तरह से रखते हैं, बांध जुड़ के रखते हैं, और उसको किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं रखते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, तो गड़बड़ तो होनी ही है। हम काम नहीं करते हैं, घर का काम भी हम नहीं करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। ऐसे माहौल में और ऐसे खान पान में अगर हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होंगी तो क्या होगी? किसी भी कारण से ले लीजिए, जब हमारी ये ग्रंथि हार्मोन कम निकालती है तो ब्लड में कम हार्मोन जाता है, तो हमारी पूरी बॉडी इस ग्रंथि को सिग्नल भेजती है कि भाई हार्मोन कम आ रहा है, शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है। TSH बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि थायराइड की कमी हो गई है। लेकिन जब किसी वजह से, किन्हीं कारणों से ये थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, T3 T4 बढ़ जाता है, तो ब्लड सिग्नल भेज देता है माइंड को कि ये हार्मोन बढ़ गया, इसको कम करो। तो माइंड को सिग्नल जाता है तो TSH यहाँ से कम हो जाता है, क्योंकि ये बढ़ गया है तो वो कम हो जाता है। तो जैसे वो कम होता है तो इसका मतलब है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। दोनों ही चीज़ें गलत है, या तो हाइपो हो या हाइपर हो, लेकिन है तो थायराइड ही। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दोनों तरह की दवाई है आपकी वो चला देंगे, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना होता है, तो डॉक्टर तो आपको दवाइयाँ देने वाले हैं, लेकिन दवाइयों से इतना फ़ायदा नहीं होता जितना नुकसान होता है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है दवाई के कारण भी। ये तो चलो दवाई के कारण जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप थायराइड की प्रॉब्लम होती है तब क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आपके सामने नज़र आती है? एक तो आपको थकावट दिन भर बनी रहेगी। आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, आपकी थकावट कम नहीं होगी, वो बनी रहेगी। आपको नींद ज़्यादा आएगी, सुस्ती ज़्यादा आएगी, और आपका जो हार्ट है
वो तेजी से धड़कता है, कई बार तो आपको लगता है कि दिल ज़्यादा धड़क रहा है और आपकी स्किन जो है वो ड्राई होने लग जाएगी, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो पसीना कम निकलेगा तो इसकी वजह से स्किन ड्राई होने लगती है। अगर हाइपर थायराइड है तो आपको ज़्यादा पसीना निकलता है, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन रहता है, गर्मी ज़्यादा लगेगी, जो भी आप खाना खाते हो आपको लगेगा कि आप भूखे हो, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं। हाइपर थायराइड में आपके सारे फंक्शन जो शरीर के वो जल्दी जल्दी से चलते हैं, तो इससे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप खाना खा लेते हैं फिर से आपको जल्दी से भूख लगने लगती है, तो जब आप देखते हैं कि जल्दी से काम हो रहे हैं तो माइंड के अंदर भी कई बार डिप्रेशन की शिकायत आने लगती है, कई बार ब्लड ज़्यादा चला जाता है, सर में दर्द हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो सकते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ऐसे कई सिम्टम्स हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप जल्दी से जाके थायराइड का टेस्ट कराइए। फिर अगर आपका थायराइड निकलता है तो क्या क्या आपको सावधानी करना है, आपको तला भुना भोजन नहीं लेना है, जो बाहर का बासी भोजन हो और तला भुना हो तो ऐसे भोजन को आप हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। आपको अगर जल्दी से अच्छा होना है तो ताजे फ्रूट्स खाइए, फल सब्जी इनको शामिल कर लीजिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। आपको दो तीन चीज़ें हैं जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको बंद गोभी नहीं खानी है, ब्रोकली नहीं खानी है और सोयाबीन से बने प्रोडक्ट कोई भी हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। फिर आप दही ले सकते हो, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन वो घर में बने हुए ये आप देख लीजिए। फिर आपको योगा एक्सरसाइज ये सब अपनाने हैं, आपको डेली अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और थोड़ी देर की धूप आपको जरूर लेनी है। सुबह की जो धूप होती है, जब ज़्यादा धूप नहीं होती कम से कम आधा घंटा या एक घंटे की धूप जरूर लेनी है, उसमें आप हल्के कपड़े पहन के धूप में जाइए, जहाँ भी आपको खुला वातावरण हो या आपकी छत पे हो या कहीं भी आप ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से धूप मिल जाए, उसमें आप हल्के से हल्के कपड़े सूती कपड़े पहनिए, व्हाइट कपड़े पहनिए और आराम से धूप का मजा लीजिए। धूप से आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और आपको अच्छे तेल से मालिश करनी है, कोई भी शुद्ध तेल से अपनी बॉडी की मसाज करिए, मालिश करिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक मजबूत हो जाएगी और जब आपकी इम्यूनिटी पावर हाई होती है तो बीमारी आपसे दूर भागने लगती है। किसी ना किसी रूप में अपने आप को एक्टिव रखिए, इससे आपके शरीर की एक्सरसाइज होती रहे। फिर आते हैं उपचार के बारे में कि क्या आपको अपनाना है अपनी दिनचर्या में जिससे आपका थायराइड हार्मोन जल्दी से जल्दी बैलेंस में आ जाए। धनिया की पत्ती होती है वो सबको मिल जाती है, आसानी से आपको मिल जाएगी, फ्रेश धनिया आप ले लीजिए और उसको सिल बट्टे के ऊपर आपको पीसना है, रगड़ना है, जब वो अच्छे से पीस जाए आपको उसको एक गिलास पानी में मिलाइए, उसको छानिए और उसको आपको डेली एक गिलास पीना है। अगर आपको फ्रेश धनिया नहीं मिलता है या किसी दिन ऐसा हो जाता है कि आपके पास फ्रेश धनिया नहीं है तो आप सूखे धनिया के बीज होते हैं उसको पानी में डालकर रात को रख दीजिए, सुबह उठकर उसको सिल बट्टे पे पीस लीजिए, फिर उसको पानी में घोलना है, पानी को छानना है और उस एक गिलास पानी को आप पी लीजिए। धनिया का प्रयोग आपको डेली करना है, इससे आपका थायराइड हार्मोन जल्दी से जल्दी बैलेंस में आ जाएगा। फिर अगर आप लौकी का जूस घर में बना सकते हैं, फ्रेश लौकी का जूस, तो वो भी आप दिन में ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं, अगर नहीं डेली ले सकते हैं तो 3-4 दिन में आप एक बार ले सकते हैं। लौकी के एक गिलास जूस में आप 3-4 तुलसी के पत्ते अपने हाथों से तोड़कर डाल लीजिए और वो तुलसी के पत्ते आप बिना चबाए आप निगल जाइए। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है और जल्दी से जल्दी उनका थायराइड ठीक हो जाएगा। 3-4 बादाम और 1 अखरोट की गिरी को पानी में भिगो के रख दीजिए रात को और सुबह उठकर छील कर उनको आप खा सकते हैं, चबा चबा कर आपको खाने हैं, ये भी बहुत हद तक आपके थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। ये सब औषधि के लिए आप लेते हैं और लौकी का जूस 3-4 दिन में एक बार ले लीजिए तो जल्दी से जल्दी थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। अगर अपना खान पीन और अपने रहने का ढंग सही करते हैं, आप प्रकृति से मिलजुल के रहते हैं तो फ्रेंड्स आप जल्दी ही ठीक होने लगेंगे। ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।